ग्वालियर के अबाड़पुरा में बैंक खोलकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया और आपको बता दें कि ठगी करने वाला सेंट्रल बैंक का कियोस्क संचालक को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी शहर छोड़कर फरार होने वाला था। आरोपी ने लोगों को बैंक एफडी करने और मुनाफा दिलवाने का झांसा दिया और 200 से अधिक लोगों के रुपए हड़प कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से प्रिंटिंग मशीन, कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री भी जब्त की। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दरअसल ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के अबाड़पुरा में रहने वाला आरोपी शाहिद खान सेंट्रल बैंक का कियोस्क संचालित करता था। उसने 200 से अधिक लोगों को लालच दिया था कि वहां बैंक एफडी कराएंगे तो उन्हें 12% से ज्यादा का मुनाफा होगा। उसने लोगों की बैंक एफडी करके 45 लाख रुपए जमा कराए थे। कुछ दिन पहले उसके कियोस्क पर ताला लगा दे, जिसके बाद स्थानीय लोगों को इस पर शक हुआ, जिसके बाद ठगी के शिकार सभी स्थानीय लोग ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। रिपोर्ट आई है कि बहुत सारे जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे एफडी के नाम से बड़ी राशि ली गई। टोटल 45 लाख के आसपास की राशि स्थानीय नागरिकों से उसने प्राप्त की और उनको जो जेन्युइन एफडी करानी थी जेन्युइन एफडी बैंक से नहीं कराई, फर्जी एफडी करा के दस्तावेज उनको दिए गए। जब नागरिकों के संज्ञान में आया कि जो डॉक्यूमेंट उनको दिया गया है वो एफडी बैंक की नहीं है, फर्जी दस्तावेज है, तो उसकी रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कंपू में क्योर संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर हुई है। उसमें हमारी टीम विवेचना कर रही है। क्योर संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, सिंगल्स पर जाँच कर रहे हैं। उसके अकाउंट फ्रीज करा दिए गए हैं और उसने इस पैसे का कहाँ कहाँ उपयोग किया है उसको वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो लोगों से एफडी जमा कराकर ठगी का खेल चल रहा था। बैंक खोलकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी और कई लोगों को ठगा गया था। 200 लोगों को आरोपी ने अपने झांसे में लिया और इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमल वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कमल, बैंक खोलकर लोगों से धोखाधड़ी, एफडी के नाम पर पैसे जमा कराया गया, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी, कितने लोग इसके शिकार हुए और किस तरह से इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिला? मोहल्ले में रहने वाला शाहिद खान का नाम युवक जो है वहाँ पर अपने मोहल्ले आवाड़पुरा में ही एक सेंट्रल बैंक का कियोस्क खोलकर बैठा हुआ था। इसके बाद सभी जो स्थानीय लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे, उनके द्वारा उसे एक एफडी कराने की बात कही जाती थी, जिसमें 12% से अधिक लाभ उनको देने की बात कही थी। इसके बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने सभी ने इस में अपना पैसा फसाया और एफडी कराई। इसके बाद एफडी कराने के बाद टोटल 45 लाख रुपए लेकर जो शायद जो है वहाँ से सेंटर बनकर वहाँ से फरार हो गया था। जिसके बाद सूचना परिवार स्थानीय लोगों को चली है तो उसके बाद ग्वालियर के कार्यालय एक्सोविज पहुंचे। एक्सोविज पहुंचने के बाद जब जो एसपी धर्मवीर सिंह है उनके द्वारा पूरे सेंट्रल बैंक की जो दस्तावेज उसकी जानकारी जांच कराई गई तो जो सारे जो दस्तावेज थे सही फर्जी पाए गए। वहीं जो फरियादी पक्ष के लोग थे उनके द्वारा जब पाए जाने की शिकायत और ज्यादा ही लोग वहाँ बढ़ने लगे तो जो एसपी द्वारा किया गया और कंपू थाने में जो शायद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं के स्थानीय लोगों का कहना था उनके उनके द्वारा जो पैसा जो था इकट्ठा किया गया था किसी की शादी के लिए किया गया था, किसी ने किसी काम धंधे के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था, लेकिन जो साहिद जो था और पड़ोस का ही रहने वाला था, उसके माँ बाप बचपन से ही जहाँ रह रहे हैं, तो जो साहिद का जन्म भी वही मोहल्ले में रहने वाले मोहल्ले में हुआ था, जिसके कारण सभी वह उसकी झांसे में आ गए और उसको जितना ही पैसा इकट्ठा किया सारा का सारा पैसा उसको दे दिया। जिसके बाद पुलिस ने सभी मामलों पूरे मामले को लेकर जो उसकी जाँच पड़ताल की गई तो वह रेलवे स्टेशन से कहीं शहर छोड़कर भागने की ताक में था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसको पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ कर दी गई। और अब रिकवरी के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं ताकि जितने लोग इसका शिकार हुए हैं उनकी किस तरह से रिकवरी होगी? अब बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में जो है धर्मवीर सिंह एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। उसमें जो जान निकलकर जानकारी ये भी सामने आई जो आरोपी शायद है उसने मकान ही बेचा हुआ था, जिसको लेकर वो भागने की तलाश में था। फिलहाल उससे पुलिस पूरी प्रयास में लगी हुई है, जो जितने भी लोगों के जो पैसा फंसा हुआ है जिनको चप्पल लगा के भागने का प्रयास कर रहा था पूरा पैसा वापस करो, जो भागे जो लोगों के जो परेशान लोग हैं पीड़ित लोग हैं उसको पैसा वापस करने की तैयारी कर रही है। ठीक है कमल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।